प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का यूपी टीजीटी साइंस के बैच में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में बॉन्ड्स के बारे में बात शुरू की थी, आज उसी क्लास को हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आई होप जो कंटेंट जिस तरीके का समराइज्ड फॉर्मेट में आपको यहाँ से मिल रहा है वो और कहीं से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप समराइज्ड फॉर्म में ही चीज़ों को याद रखेंगे या फिर नोट्स बना के रखेंगे तो वही आपकी एग्ज़ाम टाइम में आपका साथ देने वाले हैं। इसी तरीके का समराइज्ड कंटेंट आपके पास होना चाहिए। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये वीडियोस भले ही आप बैच से जुड़ें या फिर ना जुड़ें, लेकिन जहाँ तक ये आपको मिलते हैं इनको देखिए और पूरी एक एक तरीके से एक एक शब्द की नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और इस चैप्टर में जहाँ तक कि आपको ये क्लास फ्री में मिल रही है वहाँ तक आप यकीन मानिएगा एक भी क्वेश्चन आपका इसके बाहर से नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो हमने जो केमिकल बॉन्डिंग शुरू की थी उसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो बात हम कर रहे थे किसकी, केमिकल बॉन्ड्स की, केमिकल बॉन्डिंग। अब ये जो केमिकल बॉन्डिंग है इसको हमने क्लासिफाई किया कि जो बॉन्ड्स हैं वो दो प्रकार के होंगे। सबसे पहला जो बॉन्ड हमने देखा वो कौन सा टाइप था, तो प्राइमरी बॉन्ड यानी प्राथमिक बंध, प्राइमरी बॉन्ड यानी प्राथमिक बंध। अब ये जो प्राइमरी बॉन्ड्स हैं, मैंने आपसे इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि ये जो प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऑक्टेट रूल पर बेस्ड होते हैं यानी अष्टक नियम पर आधारित होते हैं। तो दीज बॉन्ड्स आर बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, ये अष्टक नियम पर आधारित होंगे और इनसे जो निकलने वाली एनर्जी होगी डेल्टा एच ये 200 किलो जूल से 400 किलो जूल के आसपास होगी या इतनी होती है, पर मोल भी आप लिख सकते हैं, तो 400 किलो जूल पर मोल। अब इसके बाद तीसरी जो बात आपको देखनी है प्राइमरी बॉन्ड्स के लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि सबसे पहले ये अष्टक नियम पर आधारित हो गए, डेल्टा या चितना है, और थर्ड की पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का या फिर कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है, मतलब यौगिक का या फिर अणु का फॉर्मेशन इस बॉन्ड के द्वारा या फिर इस बॉन्ड के बिना नहीं हो सकता। तो मॉलिक्यूल आर कंपाउंड्स फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल विथाउट प्राइमरी बॉन्ड। तो बिना प्राथमिक बंध के क्या होगा, ना तो कोई मॉलिक्यूल बन सकता है और ना तो कंपाउंड बन सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चार या तीन कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हो गई जो एक प्राइमरी बंध के बनने के लिए क्या है, जरूरी है, बिना इनके प्राइमरी बंध नहीं बन सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं ये टाइप जो हमने आपसे चर्चा की थी कि जो प्राइमरी बॉन्ड होता है वो चार टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट नंबर की हमने बात की थी कौन सा बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक बंध। अब ये जो आयनिक बॉन्ड है या फिर ये जो आयनिक बंध है ये किस तरीके से होगा इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात अगर हम करेंगे, ये जो आयनिक बंध होगा, ये जो आयनिक बंध होगा ये किस तरीके से होगा, तो हमने आपसे सबसे पहली बात की थी कि जो आयनिक बंध होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब आयनिक जो बंध होगा वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा बनेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा बनेगा मतलब इसमें
एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एटम में जाएंगे और बंध का निर्माण होगा। तो ये बॉन्ड जो है ये बनता किसके किसके बीच है, तो सिंपल सा मामला है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा और किसके किसके बीच, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच, मतलब धातु एवं अधातु के बीच, धातु एवं अधातु के बीच बनेगा। धातु से इलेक्ट्रॉन निकल करके किधर की तरफ जाएंगे, तो अधातु की तरफ जाएंगे। जब वो अधातु की तरफ जाएंगे धातु की तरफ से निकल करके, तो क्या होगा, एक में प्लस चार्ज आएगा और एक में माइनस चार्ज आएगा। जैसे Na और Cl ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं, तो Na का एक इलेक्ट्रॉन Cl के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाता है आयनिक रूप से, और Na में प्लस चार्ज आता है और Cl में माइनस चार्ज आता है। तो क्या हो गया, ये Na क्या है, मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है। तो आयनिक बॉन्ड कहाँ पे बना, मेटल और नॉन मेटल के बीच, ये आपको ध्यान देना है। और इसमें जो अगली चीज़ है वो ये है कि ये जो बॉन्ड होता है ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है, मतलब इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इसकी कोई भी क्या नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, मतलब किधर से किधर इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से लग जाएगा तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर लग जाएगा इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी इसकी कोई स्पेसिफिक जो डायरेक्शन है वो नहीं होती है। ये आयनिक बंध का क्या हो गया, तीसरा। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी बॉन्ड की, और प्राइमरी बॉन्ड में फर्स्ट नंबर की हमने बात की आयनिक बंध, और आयनिक बंध में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र होगा तो किसके किसके बीच में होगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बंध पाया जाएगा। अब मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बंध जो पाया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किधर की ओर होगा, मेटल से नॉन मेटल की ओर, और इसलिए मेटल पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और नॉन मेटल पर चार्ज आएगा निगेटिव। अब इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं इसमें कि इसमें जो बांध बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बनता है। कौन सा, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये बांध बनता है, मतलब इसमें स्थिर वैद्युत बल काम करता है। तो ये चार चीज़ें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखनी है, आयनिक बंध के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। बना कब, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ किसके किसके बीच, धातु एवं अधातु के बीच, क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, और कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ प्राइमरी बॉन्ड जो क्या डिसाइड करता है। यहीं पर आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जो प्राइमरी बंध होता है वो क्या डिसाइड करता है, एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करता है कि कोई परमाणु या अणु या यौगिक, कोई अणु या फिर यौगिक बनेगा या नहीं बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड डिसाइड करता है, तो प्राइमरी बंध ही डिसाइड करता है, और बिना इसके सेकेंडरी बॉन्ड नहीं बनते। जैसे आप बिना प्राइमरी एजुकेशन के सेकेंडरी एजुकेशन नहीं ले सकते, सबसे पहले कहाँ पे जाना होता है, प्राइमरी की क्लास में। तो ये बातें हो गई हमारी किससे, आयनिक बंध से। आयनिक बंध के बाद दूसरा टाइप की जो हमने चर्चा की थी वो कौन सा था, कोवैलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजक बंध। तो आइए अब उसकी बात करते हैं सह संयोजक बंध की। तो ये आयनिक बंध हो गया, इसके बाद चलते हैं सह संयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। एक एक बॉन्ड को डीप में पढ़ेंगे, और अगर ये आपका क्लियर हो गया तो जो आपका कई सारा टॉपिक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो इफेक्ट कई सारी जीओसी जो आपका सिलेबस का पार्ट है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है, और भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे आएंगे जिनसे ये चीज़ें रिलेट करेंगी। बॉन्ड फॉर्मेशन आपको आ गया, केमिकल बॉन्डिंग आपको आ गई। इन ऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, और ये अगर आपको आ गया तो आपका इन ऑर्गेनिक का 50% सिलेबस लगभग कम्प्लीट है।
अब आइए देखते हैं प्राइमरी बॉन्ड का सेकेंड टाइप क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है यानी सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। अब सहसंयोजी बंध हम किसको बोलेंगे, तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो सहसंयोजी बंध कब बनेगा, जैसे अभी हमने देखा कि आयनिक बंध कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में क्या होगा, ट्रांसफर। वैसे ही ये सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, तो वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, तो कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजी बंध। मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनने वाला बंध कौन सा कहलाएगा, सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा कौन सा बंध बना, कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जस्ट इसके बाद सेकेंड पॉइंट की हमने बात की थी कि जो आयनिक बंध है वो किसके किसके बीच बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच। तो ये जो सहसंयोजी बंध है ये किसके किसके बीच बनेगा, तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच। मतलब दोनों क्या होंगी, अधातु में होंगी। नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच ये क्या बनेगा, आपका सहसंयोजी बंध। जैसे Cl और Cl, ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और Cl2 अणु का क्या बना कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सहसंयोजी बंध। और इस सहसंयोजी बंध में क्या होगा, ये ऑलवेज डायरेक्शनल इन नेचर होगा। अभी हमने बात की थी जो आयनिक बंध होगा उसकी कोई दिशा नहीं होगी, लेकिन जो सहसंयोजी बंध है वो डायरेक्शनल होगा। ये कई सवाल सीधे पॉइंट से आपको बनेंगे, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन सा बॉन्ड डायरेक्शनल है और कौन सा बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं है। तो डायरेक्शनल इन नेचर ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसमें एक पॉइंट की और बात करते हैं, तो इसमें जो है न्यूक्लियर रिपल्सन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे सपोज करिएगा यहाँ पर ये बॉन्ड बनता है, तो जाहिर सी बात है मान लीजिए ये एक सीएल है, ये इसका नाभिक है और ये इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इसका ये नाभिक है, तो इसके नाभिक एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनों को इसका नाभिक खींचेगा और इसके इलेक्ट्रॉनों को इसका नाभिक खींचेगा, तो ऑलरेडी जो फोर्स है न्यूक्लियर रिपल्सन और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा, जिसकी वजह से कौन सा बंध बनता है, तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये बातें हो गई, कौन सा बॉन्ड पढ़ लिया हमने, फर्स्ट टाइप आयनिक बॉन्ड, सेकेंड टाइप कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात करेंगे कौन से टाइप की, थर्ड टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब ये तीसरा टाइप हो गया हमारा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी बंध। कौन सा बंध, उपसहसंयोजी बंध। अब ये जो है उपसहसंयोजी बंध ये कैसे बनता है, तो उपसहसंयोजी बंध के लिए हमने बताया था आपसे कि जो ये बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें क्या होगा, फर्स्ट ट्रांसफर देन शेयरिंग। 99% लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उसके बाद साझेदारी होगी। तो जो उपसहसंयोजी बंध है इसमें फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन
देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर, देन क्या होगा, शेयरिंग। और इसमें जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अभी तक क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये Cl है, ये Cl है, और इन्होंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो इस एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर चले जाते हैं, तो कौन सा निर्माण होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसकी चर्चा आगे थोड़ा सा अष्टक नियम जब हम पढ़ेंगे और उसके जस्ट बाद तो काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना आप ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, फर्स्ट ट्रांसफ़र होगा, देन शेयरिंग होगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, पहले इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, फिर साझेदारी। तो पहले इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा और उसके बाद क्या होगी, साझेदारी होगी। और इसमें ये पाया किसमें जाएगा, तो सबसे पहले एक पॉइंट जो मैंने और बताया उसको भी लिख लेते हैं कि ये किसके किसके बीच बनता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, तो बोथ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सिंगल एटम, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही परमाणु से आते हैं। क्या लिख लेते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से आते हैं। अच्छा, इस बॉन्ड के दो तीन नाम और भी हैं, वो भी आप जान लीजिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका अगला नाम जो है वो को आयनिक नाम है। क्यों, क्योंकि कोवैलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और आयनिक में क्या होता है, ट्रांसफ़र। तो इसीलिए इसका अगला नाम क्या हो गया, को आयनिक। दोनों काम हो रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का भी कैरेक्टरिस्टिक निभा रहा है और किसका निभा रहा है, आयनिक बॉन्ड का भी। इसलिए दोनों करेक्टर के कारण इसका जो नाम है वो क्या हो सकता है, को आयनिक। इसी को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। इसी को हम सेमी पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, सेमी पोलर बॉन्ड। ये सभी नाम किसके हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उपसहसंयोजी यौगिक के हैं। अच्छा, ये होगा किसके किसके बीच में, तो इसके लिए याद रखना है ये पाया जाएगा लुईस एसिड, लुईस बेस और मेटल लिगांड के बीच में। किसके किसके बीच में पाया जाएगा, तो लुईस एसिड हो गया आपका, लुईस अम्ल, लुईस बेस मतलब लुईस क्षार, और इसके बाद मेटल लिगांड के बीच में पाया जाएगा। आपको ये चीज़ें इससे ध्यान में रखनी है। आई होप सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। पहला नंबर कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इसमें क्या होगा, फर्स्ट ट्रांसफ़र, देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आएंगे। इसको हम कोआयनिक, डेटिव और सेमी पोलर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। और ये पाया किस में जाएगा, तो लुईस अम्ल में, लुईस क्षार में, और या फिर मेटल लिगांड में पाया जाएगा। अब इसके बाद एक टाइप का बॉन्ड और है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं, कौन से बॉन्ड की तरफ, लास्ट मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध। अब बात करते हैं धात्विक बंध के बारे में, दिस इज बॉन्ड नंबर 4।
धात्विक बंध के लिए हमने क्या बताया था कि मेटल आयन्स आर डिप्ड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मेटल आयन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए होते हैं और वही क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं। तो सिंपल सी लाइन लिखेंगे कि जो मेटल के आयन हैं वो डिप होते हैं इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। सेकंड पॉइंट, ये बनेगा किसमें किसमें, तो मेटल और मेटल के बीच, मेटल एंड मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। अब इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, तो इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं, कौन से बॉन्ड में, मेटालिक बॉन्ड में। अब इसका एक एक्सप्रेशन भी है, आपने पढ़ा होगा कि जो HG है यानी मरकरी, वो क्या होता है, धातु होता है। लेकिन हम बात करेंगे, अगर ये एक एक्सेप्शन है और ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट होगा, तो ये एक एक्सेप्शन जो है ये क्या है, तो एक्सेप्शन की बात करते हैं तो मरक्यू रसायन यानी Hg2+ ये क्या करता है, ये धातु ही है लेकिन इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, तो इसके बीच में जब ये बॉन्ड बनता है तो ये Hg2+ बनाता है, और मरक्यूरस आयन आप जिसको बोलते हैं, मरक्यूरस आयन, तो ये इसका क्या हो गया, अपवाद हो गया। यानी Hg+ और Hg+ मिलके Hg2+ बनाते हैं, दोनों धातुएं हैं लेकिन ये यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड ना हो करके कौन सा बॉन्ड होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है यानी सहसंयोजी बंध होता है। क्यों होता है, ऑक्टेट रूल पढ़ने के बाद ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी के लिए ये एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, क्योंकि इसी तरीके के एक्सेप्शन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये इतनी बातें हमने कर ली। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमने चारों बॉन्ड की बात कर ली, कौन कौन सा बॉन्ड, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में, आयनिक बॉन्ड जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, फिर इसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ पे पाया जाएगा, लुईस एसिड लुईस बेस और मेटल लिगांड के अंदर, और इसके बाद थर्ड नंबर मेटालिक बॉन्ड मेटल और मेटल के बीच में पाया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर बसता है हमारा, अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता तो वहाँ पर ये बॉन्ड ना आकर के एडाप्टेशन आते हैं। क्या होता है, एडाप्टेशन होता है यानी अनुकूलन वाली व्यवस्था होती है। जैसे आपने देखा होगा कि ऊंट के शरीर पर बड़े बड़े बाल नहीं पाए जाते, क्यों, क्योंकि वो गर्मी वाली जगह में रहता है, वो उसको एडाप्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसके बाल छोटे हो जाते हैं। लेकिन भालू को आप देखेंगे तो उसके शरीर में बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और वो कहाँ पर रहता है, इसलिए ठंडी जगहों पे रहता है। तो इसी तरीके का एडाप्टेशन अगर अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो कहाँ पे पाया जाएगा, केमिस्ट्री में पाया जाएगा। आइए थोड़ा सा इनकी भी बात कर लेते हैं कि अगर ये सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा और किस तरीके से जो बॉन्डिंग की प्रक्रिया है वो आएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, अगर केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट पूरा नहीं है, सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट पूरा नहीं होगा का अष्टक पूर्ण नहीं है तो वहां पर एडाप्टेशन होता है, मींस अनुकूलन होता है। अब जब ये एडाप्टेशन होता है तो ये तीन टाइप के बॉन्ड बनाएगा, ब्रिज बॉन्डिंग,
सेकेंड बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग और इसके बाद बैक बॉन्डिंग। ये तीन तरीके के बॉन्ड और बनते हैं कब, जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। और इसमें प्रमुख रूप से तीन तत्व आते हैं, कौन कौन से, किनका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो बोरान, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। ये तीन ऐसे तत्व हैं जिनका ऑक्टेट सेंट्रल पे पूरा नहीं होता, तो ये तीन बॉन्डिंग इसमें रेफर होती है, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। तीन तरीके की बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिलती है। बैक बॉन्डिंग कब आएगी, मतलब जो बैक बॉन्डिंग है ये आती है आपकी BX3, जब बोरान किसी हैलाइड से जुड़ता है। X3 का मतलब क्या है, कोई भी हैलाइड, X का मतलब आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये एक बोरान है, ये इस तरीके से 3 Cl से जुड़ता है, तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। इसके बाद बनाना बॉन्डिंग जो है ये BS3 का डाइमर बनाता है। BS3 का क्या बनता है, डाइमर। और यहाँ पर जो बनने वाला परमाणु होता है वो B2S6 बनता है। और फिर इसके बाद जो ब्रिज बॉन्डिंग होती है वो कब आता है, तो BeCl2 जब होता है, BeCl2 या फिर AlCl3 होता है, तो कौन सी बॉन्डिंग आ जाती है, ब्रिज बॉन्डिंग आ जाती है। तो ये तीन टाइप के बॉन्ड जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तब आते हैं। खैर ये आपके पेपर में बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन मैंने बता दिया है ताकि आपका ज्ञान पूरा रहे। मान लीजिए कहीं पर हम इनकी बात करते हैं, AlCl3 आपको कई जगहों पे देखने के लिए मिलेगा। ऑक्टेट रूल के बाद ये फंडा सुपरफिशियल रूप से आपको पूरी तरीके से और क्लियर हो जाएगा। तो ये आज की बात थी जिसमें हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी कि जो बॉन्ड है वो कितने प्रकार के होंगे, कौन सा बॉन्ड किन किन के बीच में पाया जाएगा और क्या क्या हो सकता है, और किस तरीके से ये बॉन्डिंग जो है वो एटम के बीच में बनती है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो गई होगी। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप अगर इस तरीके से अपने कंटेंट को एक जगह पे समराइज करके रखते हैं तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, और आप आसानी के साथ मात्र 2 से 4 दिनों के अंदर पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर सकते हैं। आप लोग इस क्लास को देखिए, मिलते हैं नई क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, और सब मिल करके इस TGT परीक्षा की मुहिम को एकदम आसान बनाते हैं। धन्यवाद।